Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैली पर बिल ऑफ मटेरियल, यानी बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनता है और उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक PDF फाइल तैयार कर रखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फाइल को। तो जैसा कि यहां पर देखिए क्वेश्चन है बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल का मैं आपको समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जो बिल ऑफ मटेरियल होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे LED TV ये सब, जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि LED टेलीविज़न। तो अगर LED टेलीविज़न जब बनाते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ लगता है, यानी कस्टमर के अनुसार या खुद के अनुसार, मतलब इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो चीज़ हम डालते हैं, तो उसका बिल अलग बनाते हैं। जैसे कि LED TV बनाने में हमें LED पैनल, स्पीकर, पावर सिस्टम, LED कंट्रोलर, TV स्टैंड, कैबिनेट, कनेक्टर, ये सब चीज़ का ज़रूरत है। तो इन सब का बिल कैसे बनता है, यानी एक टेलीविज़न बनाने में, और एक एक पार्ट का कैसे हिसाब हम लोग रखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग इसमें करते हैं बिल ऑफ मटेरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली हम लोग। जैसा कि टैली स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग बिल ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए जैसे कि यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद F12 दबाना है, यानी F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ आइएगा थोड़ा सा नीचे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है एक्ट इन्वेंट्री इन्फो, इसको आपको इंटर कर लेना है। इसमें इंटर कीजिएगा, उसके बाद इंटर करते हुए सबसे लास्ट में आना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, तो इस ऑप्शन को यस कर लेना है आपको। तो मैं इस ऑप्शन को यस कर लेता हूँ और इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक गोडाउन एक्टिवेट कर लेंगे सबसे पहले। तो गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा इसके लिए, F11, और इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाइएगा, यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स। उसके बाद यहाँ पर इंटर कीजिएगा और यहाँ पर आइएगा, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो मैं यस कर लेता हूँ इसको और इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये चीज़ बन गया। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक्टिवेशन का मैंने बिल ऑफ मटेरियल एक्टिवेशन करने का लिख भी दिया है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे एक्टिवेट होगा आप लोग भी कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट ए बिल ऑफ मटेरियल, यानी LED TV बना रहे हैं और इसमें जो बिल मटेरियल लग रहा है ये सब है, LED TV और स्पीकर, पावर सिस्टम, LED कंट्रोलर बोर्ड, TV स्टैंड, कैबिनेट और कनेक्टर, ये सब चीज़ है। तो ये सारा हम लोग को स्टॉक आइटम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस आइटम को बना लेते हैं LED टेलीविज़न, और इसका ग्रुप हो जाएगा होम इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिट हो जाएगा NOS, और इसमें इस चीज़ को यस रखना है। तो मैं बनाता हूँ जब तक इसको। स्टॉक आइटम बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग LED टेलीविज़न। उसके बाद अंडर पूछ रहा है यहाँ पर, तो अंडर जैसे कि वहाँ पर था होम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अल्ट सी कर लेंगे यहीं से, अल्ट सी, और यहाँ से इंटर करेंगे और एक्सेप्ट। उसके बाद यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट हम लोग PCS ले लेंगे, अल्ट सी करते हैं, अल्ट सी, और यहाँ पर सॉरी NOS है, NOS नोस है, तो नोस ले लेंगे नंबर, यानी नोस का मतलब नंबर होता है, एक्सेप्ट। और देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सेट कंपोनेंट BOM, यानी बिल्डिंग ऑफ सॉरी बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसको यस करना है कि नहीं करना है मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, तो यस करने के लिए लिखा हुआ है मैंने, तो फिलहाल मैं अभी इसको यस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी मत कीजिएगा इसको यस, अभी छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इस आइटम को बना लीजिएगा, यहाँ पर जो सारा आइटम शो कर रहा है आपके पास, यहाँ पर देखिए ये सब नीचे
इन सारे आइटम को पहले बना लेना है आपको, इन सबको, उसके बाद उसको यस करना है। तो मैं पहले बना लेता हूँ एलईडी टीवी पैनल, और इसका ग्रुप क्या है, एलईडी पार्ट्स, और यूनिट हो जाएगा एनओएस, और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी डालना है इसके अंदर। तो चलिए इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ एलईडी टेलीविज़न को, बिना यस किए हुए, यानी नो करके ही इसको एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट। उसके बाद अब हम लोग एलईडी टीवी पैनल, और इसका ग्रुप है एलईडी पार्ट्स, तो अल्ट सी करते हैं, और एलईडी पार्ट्स, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। यूनिट पूछ रहा है तो एनओएस। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ डालना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो जैसा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए, यहाँ पर शो कर रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ डालना है हमको। तो सबसे पहले मैं इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को वहाँ पर एक्टिवेट करूँगा, यहाँ पर। तो एक्टिवेट करने के लिए यहीं पर F12 दबाइएगा, यानी F12, और यहाँ पर आइएगा नीचे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर सो कर रहा है अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, इसको यस कर लीजिएगा। इसके बाद इंटर करते हुए आइएगा, तो देखिए यहाँ पर नीचे आ गया स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट शो कर रहा है, तो इसको आपको यस कर लेना है, और इंटर करते हैं, और इंटर, और स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर शो कर रहा है, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी यहाँ शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट शो कर रहा है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, लेकिन हमको क्या डालना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस नहीं लिखा है, तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट डालेंगे। तो जैसा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एलईडी टीवी पैनल का कितना है, 8000 रुपये, तो बस 8000 डालेंगे, इसी तरह सबका डालेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर 8000 ले लेते हैं, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरा आइटम देख लेते हैं क्या है, स्पीकर। स्पीकर्स, और यहाँ पर अंडर में ले लेंगे हम लोग एलईडी पार्ट्स, और यूनिट एनओएस हो जाएगा, और यहाँ पर यस कर लेंगे सेट स्टैंडर्ड रेट, और यस, और यहाँ पर रेट डाल देंगे कितना, 3750, एक्सेप्ट करते हैं इसको भी। दूसरा आइटम क्या है, पावर सिस्टम, और इसका भी ग्रुप वही है, पावर सिस्टम है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट है 2300 रुपये। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पावर सिस्टम, और यहाँ पर एलईडी पार्ट्स, और यहाँ पर एनओएस, और इसको यस कर लेता हूँ, और यहाँ पर 2300 रुपये है टोटल, 2300। तो मैं यहाँ पर 2300 ले लेता हूँ, इंटर, एक्सेप्ट। इधर आपको स्टैंडर्ड सेलिंग में कुछ भी नहीं डालना है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। उसके बाद तीसरा आइटम क्या है, एलईडी कंट्रोलर बोर्ड, और इसका रेट कितना है, 6000 रुपये। तो एलईडी एलईडी कंट्रोलर बोर्ड, ग्रुप हो जाएगा एलईडी पार्ट्स, यहाँ से ले लेंगे, सॉरी एलईडी पार्ट्स ले लेंगे, और एनओएस, और यहाँ पर सेट स्टैंडर्ड रेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर 6000 रुपये, इंटर। यहाँ कुछ भी नहीं डालना है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में कुछ नहीं डालना है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तीसरा आइटम है टीवी स्टैंड, रेट है कितना, 1900 रुपये। तो यहाँ पर ले लेते हैं स्टैंड, एलईडी पार्ट्स, एनओएस, और यहाँ पर सेट स्टैंडर्ड रेट यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर 1900 रुपये, इंटर, एक्सेप्ट। उसके बाद कैबिनेट है, और इसका कितना रेट है, 2800 रुपये, यहाँ पर ले लेंगे कैबिनेट, और यहाँ पर एलईडी पार्ट्स, यहाँ पर एनओएस, और यहाँ पर इसको यस कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग 2800 रुपये ले लेंगे, एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कनेक्टर है, कनेक्टर का रेट है आपका 3300 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं
कनेक्टर्स, और यहाँ पर ले लेते हैं इसका ग्रुप एलईडी पार्ट्स, और यहाँ पर एनओएस, उसके बाद सेट स्टैंडर्ड रेट यस करके, और यहाँ पर रेट में 3300 इंटर करते हुए एक्सेप्ट। सारा आइटम बन जाने के बाद, देखिए सारा आइटम बन चुका है मेरा, उसके बाद थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बैक करता हूँ। यहाँ पर बैक कीजिएगा, अल्टर में चले जाएगा, स्टॉक आइटम के अल्टर में, देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम शो कर रहा है यहाँ पर, और यहीं पर अल्टर शो कर रहा है नीचे, इसमें आपको चले जाना है अल्टर में, और एलईडी टेलीविज़न, यानी इसको आपको ओपन कर लेना है, एलईडी टेलीविज़न को ओपन करना है। क्यों? तो देखिए मैं बता देता हूँ कि एलईडी टीवी टेलीविज़न यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर, तो इसको ओपन करना है, और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा था सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, सॉरी अल्टर कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में है भी कि इसको यस करना है, तो अब हम लोग इसको यस करते हैं, इस ऑप्शन को हम लोग अब यस करेंगे, यस करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है देखिए कंपोनेंट ऑफ, तो कंपोनेंट ऑफ में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कंपोनेंट ऑफ, तो एलईडी टेलीविज़न, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक वहाँ सेट हो चुका है, देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या है ध्यान दीजिए, तो वन नोस लिखा है, वन नोस, तो यहाँ पर हम लोग वन डालते हैं, इंटर करेंगे, तो देखिए वन नोस आ गया। उसके बाद आइटम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आइटम हम लोग देखिए यहाँ पर सारा आइटम है, यानी कि एलईडी टेलीविज़न बनाने में क्या क्या आइटम लगा, तो यहाँ पर देखिए एलईडी टेलीविज़न हो गया कि कंपोनेंट है, और सारा आइटम डालिए यहाँ पर, तो ये जो आइटम है ये सब हम लोग को डालना है। तो एलईडी टीवी है पैनल है पहले, तो यहाँ पर एलईडी टीवी ले लीजिएगा पैनल। उसके बाद गोडाउन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है, और मैंने यहाँ पर गोडाउन देखिए लिख रखा है आइटम स्टोर इन ऑन साइट गोडाउन, तो मैं ऑन साइट गोडाउन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गोडाउन में सिर्फ एक ही गोडाउन शो कर रहा है मेन लोकेशन, तो अल्ट सी कर लीजिएगा और यहीं पर गोडाउन बना लीजिएगा डायरेक्टली ऑन साइट। उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है, यानी एक टेलीविज़न बनाने में एलईडी टीवी पैनल कितना लगेगा, इसका क्वांटिटी कितना होगा, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा है आइटम डिटेल्स सेक्शन क्वांटिटी वन, यानी आइटम डिटेल्स जिसमें डालना है आपको उसके सेक्शन में क्वांटिटी आपका वन ही होगा, यानी सारे आइटम को जितना भी ये सारा आइटम है आपका इन सब का क्वांटिटी एक डालना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डाल लेता हूँ, क्योंकि एक टेलीविज़न बनाने में एक ही टीवी पैनल का ज़रूरत है एलईडी टीवी पैनल का, तो एक ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर आइटम पूछ रहा है, तो दूसरा आइटम क्या है, स्पीकर है, और यहाँ मैं स्पीकर ले लेता हूँ, और गोडाउन मेरा ऑन साइड हो जाएगा और क्वांटिटी मेरा एक हो जाएगा। उसके बाद स्पीकर के बाद क्या है, पावर सिस्टम, तो यहाँ से मैं पावर सिस्टम ले लेता हूँ, और गोडाउन ऑन साइड क्वांटिटी एक, इसी तरह सारा आइटम डाल लेना है आपको। एलईडी टीवी कंट्रोलर बोर्ड, एलईडी टीवी कंट्रोलर बोर्ड ऑन साइड गोडाउन हो जाएगा, क्वांटिटी एक हो जाएगा। उसके बाद टीवी स्टैंड है, तो ले लेते हैं टीवी स्टैंड ऑन साइड गोडाउन, क्वांटिटी एक। उसके बाद क्या है, कैबिनेट है और कनेक्टर है, तो यहाँ से हम कैबिनेट ले लेते हैं, कैबिनेट ऑन साइड गोडाउन हो जाएगा, क्वांटिटी एक हो जाएगा, और यहाँ से कनेक्टर भी ले लेता हूँ और ऑन साइड क्वांटिटी एक। ये सारा हो गया, यानी कि एक हम लोग का टेलीविज़न बनाने में, यानी टेलीविज़न और इसका क्वांटिटी कितना है, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कितना एलईडी टीवी आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो एक करना है, तो एक करना है, तो ये सारा आइटम हमारा क्या क्या लगेगा और कितना कितना क्वांटिटी लगेगा। तो टीवी पैनल लगेगा वो भी एक क्वांटिटी, स्पीकर लगेगा तो ये भी एक लगेगा, फिर पावर सिस्टम है तो ये भी एक लगेगा, एलईडी टीवी है, इसी तरह सब मैंने लिख दिया है, ये सारा इसी तरह आपको सेट कर देना है। ये होने के बाद ये सारा मतलब मेरा ऑन साइड गोडाउन में रखा था मैंने निकाल लिया, एक एक इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। ये चीज़ मेरा क्रिएट हो गया बिल ऑफ मटेरियल। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री करने से पहले यहाँ पर देखिए एक है लिखा हुआ है क्रिएट ए वाउचर, यानी एक वाउचर क्रिएट करना है आपको किस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, और इसका
टाइप ऑफ वाउचर क्या होगा, स्टॉक जर्नल, और सेट इन यूज है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस करना है इसके अंदर। तो चलिए मैं वाउचर क्रिएट करता हूँ। एक वाउचर क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, सॉरी लेजर नहीं, अकाउंट इन्फो, उसके बाद वाउचर क्रिएट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और यहाँ पूछ रहा है कि टाइप ऑफ वाउचर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो लिखा है टाइप ऑफ वाउचर, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है टाइप ऑफ वाउचर में, देखिए यहाँ पर स्टॉक जर्नल, तो मैं इसको यस कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर ले लेता हूँ स्टॉक जर्नल। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है स्टॉक जर्नल, इंटर कर लेते हैं और इंटर, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो यहाँ भी देखिए उस ऑप्शन को लिखा हुआ है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस रखना है, तो इसको हम लोग यस कर लेंगे इसमें, और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। सारा बन जाने के बाद नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर परचेज का एक क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2020 को परचेज 10 नोट्स ऑफ ईच, यानी प्रत्येक ईच ऑफ फॉलोइंग आइटम, यानी जितना भी ये नीचे आइटम दिया हुआ है ये हम लोग परचेज कर रहे हैं, 10 प्रत्येक आइटम मतलब 10 क्वांटिटी है, फ्रॉम किस से, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स से, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टार है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी इससे हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये सारा मेरा आइटम पहले से बन चुका है, यानी अगर हम लोग जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग परचेज करते हैं। तो मैं स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बना लेता हूँ और एक परचेज का लेजर बना लेता हूँ। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर एक परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट, उसके बाद एक स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज हो रहा है तो सेंड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, और इंटर करके एक्सेप्ट, बन चुका है। उसके बाद अब एंट्री करना है, देखिए गोडाउन है ऑन साइट, तो गोडाउन तो ऑन साइट मेरा बना हुआ है पहले से। चलिए मैं एंट्री करता हूँ, और प्रत्येक आइटम को लेना है 10 क्वांटिटी, और रेट ये है पहले से। तो चलिए अकाउंट इन्फो F9 कीजिएगा, यहाँ पर F9 परचेज वाउचर, देखिए यहाँ पर आ गया परचेज वाउचर, डेट भी यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर डेट हो गया 1 अप्रैल, और यहाँ पर परचेज वाउचर शो कर रहा है। चलिए एंटर करेंगे, तो पार्टी नेम डाल लेंगे यहाँ से स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर ले लेते हैं यहाँ से, और नेम ऑफ आइटम, तो जैसा कि आइटम यहाँ पर देख रहे हैं कि LED टीवी पैनल, क्वांटिटी कितना है 10, सबका 10 है LED टीवी पैनल, तो यहाँ पर LED टीवी ले लेते हैं, LED टीवी पैनल, ध्यान रखिएगा LED टीवी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गोडाउन ऑन साइड हो जाएगा, क्वांटिटी मेरा 10 हो जाएगा, रेट आ गया ऑटोमेटिक क्योंकि पहले से हमने सेट कर रखा है स्टैंडर्ड रेट, तो बस इंटर करके आगे बढ़िएगा। और दूसरा है आइटम क्या है, स्पीकर है, यहाँ पर देखिए दूसरा आइटम स्पीकर, गोडाउन ऑन साइड है और क्वांटिटी 10 है, स्पीकर गोडाउन ऑन साइड क्वांटिटी 10, रेट आ गया ऑटोमेटिक, इंटर। फिर तीसरा आइटम पावर सिस्टम, यहाँ से ले लेंगे पावर सिस्टम, गोडाउन ऑन साइड क्वांटिटी 10, रेट आ गया। फिर तीसरा आइटम हम लोग ले लेंगे LED टीवी कंट्रोलर, LED टीवी कंट्रोलर बोर्ड, और यहाँ पर ऑन साइड क्वांटिटी 10 है, रेट आ गया ऑटोमेटिक। फिर टीवी स्टैंड क्वांटिटी हो जाएगा गोडाउन हो जाएगा ऑन साइड क्वांटिटी 10। फिर कैबिनेट है और कंट्रोलर कनेक्टर है, यहाँ पर कैबिनेट ले लेते हैं, गोडाउन ऑन साइड हो जाएगा क्वांटिटी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कनेक्टर गोडाउन ऑन साइड, और यहाँ पर क्वांटिटी 10, सारा रेट आ गया, इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, अब कोई आइटम नहीं है, इंटर, यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं इसको।
ओके, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन बन चुका है परचेज का, ये सारा मेरा बन चुका है परचेज का। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऑन द 1 अप्रैल को ही 5 नोस एलईडी टेलीविज़न, यानी 5 नोस हमको एलईडी टेलीविज़न का ऑर्डर मिला है जो कि हमको बनाना है। तो इज मैन्युफैक्चरिंग इन ऑन साइट गोडाउन, एडिशनल एक्सपेंस वाज इंक्लूड वेगेज और काटेज चार्ज, यानी कि 5 एलईडी टेलीविज़न बनाना है हमको, मैन्युफैक्चर करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो मैन्युफैक्चर करना है ऑन साइट गोडाउन से, एडिशनल एक्सपेंस है वेगेज और काटेज। तो अगर 5 बनाएंगे तो हमारा कितने का होगा टोटल और कितना आइटम लगेगा, क्या होगा, ये सब हम चीज़ कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पहले 2 लेजर में बना लेता हूँ यहाँ पर, वेगेज का और काटेज चार्ज का, और बाकी सब तो मेरा बना हुआ है। तो ये मेरा अलग से एक्सपेंस है, तो इसका ग्रुप आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही। तो चलिए अकाउंट इन्फो में चलते हैं लेजर बनाने के लिए, लेजर क्रिएट, और यहाँ पर वेगेज, यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर एक्सेप्ट, उसके बाद काटेज है, इंटर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब हम लोग को बनाना है इसको मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चर जो हो रहा है ये तो चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर अल्ट प्लस F7 कीजिएगा, अल्ट प्लस F7। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक जर्नल खुल गया, लेकिन हमको लेना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इंटर कीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है देखिए कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्या आपको बनाना है नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसा कि यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है LED टेलीविज़न बनाना है, और यहाँ गोडाउन का नाम दिया हुआ है कि ऑन साइड, और कितना बनाना है क्वांटिटी, तो 5 नोस यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब चीज़। देखिए मैं हाईलाइटेड भी करा देता हूँ, LED टेलीविज़न बनाना है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, गोडाउन आपका ऑन साइड हो गया, और कितना बनाना है LED टेलीविज़न, तो 5। तो चलिए यहाँ पर LED टेलीविज़न ले लेते हैं, यहाँ से ले लिए। गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन कौन सा हो गया हमारा ऑन साइड, क्योंकि ऑन साइड से ही हमारा सब रखा हुआ है, और क्वांटिटी कितना हो गया 5। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ये सारा ऑटोमेटिक मेरा आ गया, क्योंकि पहले से हमने सेट कर रखा हुआ है, क्योंकि 5 बनाएंगे तो 5 लगेगा और 1 बनाएंगे तो 1 लगेगा। तो बस इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, सब रेट आ चुका है, बस आपको बिल बना देना है। बिल इसलिए बनाएंगे क्योंकि बाद में रिपोर्ट भी दिखाना रहता है कि हाँ हमारा ये चीज़ लगा है। अब जैसे इंटर करके इस साइड आएँ, देखिए इस तरफ यहाँ पर तो लिखा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, तो एडिशनल कॉस्ट में मेरा लगा है वेगेज, यहाँ पर वेगेज शो कर रहा है, ले लेंगे, और वेगेज का रेट परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास अमाउंट है। तो इंटर करके यहाँ पर देखिए शो करेगा अमाउंट, यहाँ पर कर्सर हाईलाइट कर रहा है, तो बस अमाउंट यहाँ से डाल लेंगे। कितना वेगेज का मेरा है 1000 रुपये, और काटेज का है 2000 रुपये। तो चलिए यहाँ पर वेगेज 1000 और काटेज चार्ज 2000, इंटर करके यहाँ पर 2000 इंटर किए, एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे, और देखिए टोटल मेरा अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है आपको कि 3000 एडिशनल कॉस्ट लगा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो टोटल एडिशनल कॉस्ट 3000, टोटल कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट यानी टोटल कितना हुआ 1,43,250 रुपये, ये आपका टोटल बैलेंस हो गया। और यहाँ पर है कितना नोस है, लेकिन जो नीचे शो कर रहा है रेट, यानी एक का रेट कितना है, रेट के हिसाब से उसको जोड़ के यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये मेरा टोटल आपका एक्सपेंस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एंट्री करते हैं, और बिल ऑफ मटेरियल का भी एक्सेप्ट करते हैं, इसको बैक कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फाइनल बन चुका है, देखिए यहाँ पर एक मैंने व्यू भी दे रखा है, और चेक स्टॉक समरी, यानी आप रिपोर्ट भी इसका चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं रिपोर्ट भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम हो बनाने में ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ स्टॉक का। तो स्टॉक ये मेरा है स्टॉक समरी, आपको यहाँ पर किस चीज़ का देखना है स्टॉक, तो मान के चलिए LED पार्ट्स का भी देख सकते हैं, और LED होम LED का भी देख सकते हैं। तो LED पार्ट्स का मैं जैसे देखता हूँ,
तो देखिए यहाँ पर 5-5 दिखा रहा है सारा का, क्योंकि 10-10 मैंने परचेज किया था। देखिए यहाँ पर 10-10 तो यहाँ पर परचेज किया था सारा पार्ट्स, सो कर रहा है 10-10 क्वांटिटी। तो 10 में से मेरा 5-5 तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकाल लिया गया है, तो सिर्फ 5 ही बचा है यहाँ पर। तो यही मेरा रिपोर्ट है, इंटर कीजिएगा तो और डिटेल्स मिल जाएगा आपको। एक बार और इंटर कीजिए, चाहे यहाँ पर भी देख सकते हैं इनवर्ड 10 यानी परचेज किए कितना 10, और आउटवर्ड यानी गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकल चुका है आपके पास से 5, और बचा कितना क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बच गया है 5 नोट्स। इंटर करेंगे तो और भी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सारा शो कर रहा है परचेज और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट मिला सकते हैं। बैक कर लेता हूँ मैं, और कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।